अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो के अंदर हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लेआउट को सेटअप करेंगे ताकि हम फर्दर जब उसके ऊपर काम करें तो हमारे लिए आसानी रहे। सबसे पहले आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से वीडियो एडिटिंग के ऊपर जाएंगे और वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट करेंगे। हमारे सामने ये एक वर्क स्पेस आ जाएगी जिसके अंदर सारी वीडियो एडिटिंग का लेआउट है हमारे पास। राइट साइड पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है जिसमें सबसे पहले डायमेंशंस हैं। अभी 1080 सिलेक्टेड है, अगर आपने कम करनी है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डेस्टिनेशन है कि आपने किस फोल्डर के अंदर अपनी वीडियो को फाइनली रेंडर करना। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर PNG की जगह FFMPEG वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे इनकोडिंग को खोल लेंगे। इनकोडिंग के अंदर हम MP4 सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे कोडिंग के अंदर H264 जो कि YouTube के ऊपर भी सपोर्टेड है और ज़्यादातर जगह पे ये कोडिक सपोर्ट करता है, इसलिए हम इसे सिलेक्टेड रहने देंगे। नीचे ऑडियो में आके यहाँ पे हम MP3 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जो हमारे पास वीडियो सिक्वेंसर है यहाँ पे जाएंगे, प्लेबैक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑडियो वीडियो सिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे और ऑडियो स्क्रबिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे फाइल ब्राउज़र है जहाँ से हम चीज़ों को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। हम अगर इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो हमारे सामने ये डेस्कटॉप और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो लाइक हम किसी भी वीडियो को इस तरह से पकड़ के ड्रैग ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर सकते हैं तो हमारे सामने वो चीज़ खुल जाएगी। हम एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं और इस तरह से इसे भी हाइड कर देते हैं और हम चले जाते हैं पहले वाले ही विंडो के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर चले जाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ फाइल के ऊपर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट के ऊपर जाएंगे और सेव एज स्टार्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इस ब्लेंडर को खोलें तो बिल्कुल इसी सेटिंग के ऊपर, इसी जगह के ऊपर वो खुलेगा। तो आज की पहली वीडियो के अंदर इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो से हम काम करना शुरू करेंगे।